महेंद्र के सामने आपको कौन उम्मीदवार लग रहा है जो सामने? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी किसान को आगे बढ़ाऊंगा गिराऊंगा नहीं। दिखा दिया कि महेंद्र राम बालावास का नहीं अपने कालदावास के अपना बेटा अपना भाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कालदावास और बालावास में कोई भेदभाव और कैंडिडेट 9 तारीख तक आपको दिखाई देंगे। मैं तो 10 को भी आपके सामने ये दिखाई वार्ड 17 में महेंद्र का प्रशासनिक अनुभव पड़ रहा भारी। वार्ड नंबर 17 से जिला परिषद के प्रत्याशी महेंद्र सिंह का वार्ड के गांव कालड़ावास रसियावास में हुआ भव्य स्वागत। उमड़ी भारी भीड़, ग्रामीणों ने फूल मालाओं तथा पगड़ी बांधकर किया स्वागत। और आपको बता दें कि इस मौके पर महेंद्र सिंह ने कहा प्रशासनिक अनुभव से कराएंगे सभी समस्याओं का समाधान, क्षेत्र में लेकर आएंगे राज्य परिवहन बस सेवा, रोजगारों को दिलाएंगे निजी कंपनियों में रोजगार। और ग्रामीणों ने कहा कि महेंद्र का नहीं है किसी से कोई मुकाबला, समाज सेवा के लिए छोड़ी अपनी नौकरी, सभी के दुख दर्द में खड़े रहते हैं महेंद्र से। क्या नाम है जी आपका? शेठ सिंह। किस तरह का माहौल है जिला परिषद को लेकर? चुनाव के 2 दिन रह गए हैं। जिला परिषद के अंदर जो भाई महेंद्र सिंह है इनका बहुत ज़बरदस्त वो है और हम बिल्कुल पक्की जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है। आखिर किस आधार पर मान रहे हैं कि आप वार्ड 6 इसमें आपका 17 वार्ड में किस तरह से जीत आप पक्की मान रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि हमारा जो खुद का अपना गाँव है भाई महेंद्र गाँव है वो 100% पूरा पूरा उनके साथ है। और दूसरे हमारे जो अड़ोस पड़ोस के गांव में वो भी बड़ी मेहनत से पूरे प्रयास के साथ उनके साथ जुटे हुए हैं, दिन रात एक किए हैं। और जो भाई महेंद्र हैं जो जुझारू हैं हर चीज़ को सोच के समझ के चलने वाले हैं। और यहां तक मैं समझता हूं कि इन्होंने CBI में नौकरी की है तो ये ऊंच नीच सब उसको अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं, लोगों के दिल की जो बातें हैं उनको जानते भी हैं। और विकास के लिए भी देखो सबसे बड़ी बात विकास की है तो हमारे एरिया के हमारे जो क्षेत्र का विकास के लिए ये दिन रात एक कर देंगे। इसलिए हमारे जितने भी सभी हैं वो सब इस महेंद्र के साथ ही जुटे हैं और हम अपनी जीत पक्का निश्चित जीत मांग रहे हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। आप किस तरह से वार्ड के आप मुद्दे और किस तरह से चाहते हैं उम्मीदवार भाई किस तरह के मुद्दे जो समाधान करेंगे आपकी जीत होगी? हमारी जीत निश्चित है, महेंद्र सिंह की जीत निश्चित है। युवा नेता हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, गरीब का पूरा साथ देने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कभी किसी को किसी टाइम बुलाओ तभी तैयार रहते हैं। दावे सभी उम्मीदवार करते हैं बाकी उम्मीदवार भी, आप महेंद्र पर ही विश्वास क्यों करें? लोग महेंद्र पर लोग इसीलिए विश्वास कर रहे हैं कि ये सबके साथ साथ लेकर चलने वाले हैं और समय समय पर जब भी कोई बुलाता है तुरंत पहुँचते हैं और एक धार्मिक प्रवृत्ति के लड़के हैं। और मैं इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि महेंद्र सिंह हर हालत में जीतेंगे। मैं आपका अमर सिंह बालावास से वार्ड नंबर 17। किसके कौन उम्मीदवार यहाँ पर आगे चल रहे हैं और क्या मानते हैं कि मुद्दे यहाँ के क्या हैं? हमारा मेन मुद्दा है जीत और भाई महेंद्र की जीत निश्चित है क्योंकि विकास के तौर पर गरीबों का मसीहा है एक किस्म से। सर्विस में रहते हुए इन्होंने हर गरीब की सहायता की है और अभी भी उसी तत्पर है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आपके क्या लगता है क्या समाधान कराएंगे जो यहाँ चुनावी मुद्दा है? एक तो हमारे सबसे बड़ा है लड़कियों के बसों का इंतजाम नहीं है तो प्रशासन से ये करवा सकते हैं। दूसरा साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी, ये सारा मुद्दा ये है। महेंद्र का क्यों वोट दें लोग? आप कह रहे हैं जीत निश्चित है, क्यों माने कि महेंद्र ही जीत? महेंद्र को वोट इसलिए दे रहे कि इनकी ईमानदार छवि, मिलनसार आदमी है, हर के दुख सुख में हमेशा जाते आते रहते हैं। ये नहीं कि मैं बन गया या नहीं बना, तब भी ये जाते रहते हैं। नाम आपका? अपना नाम रामोतार राठी है, बालावास से बिलोंग करते हैं। 9 तारीख को मतदान होना है, आप क्या चाहते हैं आपके उम्मीदवार में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए और किस तरह आपको किसको? हमारा उम्मीदवार बिल्कुल नेक नीति का है और ये VRS लेके जनता की सेवा करना चाहता है, ना इसको पैसे का लालसा होती थी अपनी सर्विस करता या। और ये हरेक के दुख सुख में जब भी कोई बुलाता है तो तुरंत मतलब ये हाजिर हो जाता है। हमारे उम्मीदवार में ये खूबी है और यंग ब्लड बिल्कुल इसके साथ है। ये हमारे बालावास का ना ये पूरा मतलब 25 गांवों का मतलब ये पार्षद है। क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं जो कि आप चाहते हैं जिनका समाधान हो? मुद्दा गांव टू गांव सड़क बनवाने, सफाई का मेन मुद्दा है जो इसने मतलब ठान लिया सफाई में देखो गलियारा साफ करवाने हैं बस।
आप कोई भी उम्मीदवार आता है तमाम इसी तरह के दावे करता है, लोग महेंद्र पर विश्वास क्यों करें? महेंद्र पर विश्वास इसलिए करते हैं, मैं आपने आपको पहले बता चुका था, अगर इसको मतलब पैसे की मतलब लालसा होती थी अपने वीआरएस लेकर यहाँ पे क्यों आता, इसने देख लिया है, इसको अनुभव है सारा सरकार में काम कैसे होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, वो इसको सारा अनुभव है। आप कालडावास से पहुंचे हैं, किस तरह का चुनाव प्रचार चला, कि अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? कालडावास गांव ये समझो मेरा अपना गांव है, और इन्होंने खुद अपने कंधों पर मेरा चुनाव प्रचार उठा रखा है, खुद वोट मांग रहे, बाहर जाकर मांग रहे, और बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है मेरे को। क्या मुद्दे इस वार्ड के जो आप चाहते हैं उनका समाधान कर पाएंगे, आखिर पिछला जो नुमाइंदा था क्यों नहीं कर पाया? बहुत ज़्यादा मुद्दे, जैसे गांव से गांव कच्ची सड़कें पड़ी हैं, टूटी कच्चे रास्ते हैं, बने नहीं हैं, जिम की समस्या, पानी की निकासी की समस्या है, खारा पानी है, पानी पीने की व्यवस्था है, इन बहुत कुछ है। हमारे बच्चियों के लिए पैदल जाती है कॉलेज के अंदर, कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो ये काफ़ी मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग प्रयास। सरकार ग्रांट तमाम दावे करते हैं ग्रांट देने के, आखिर आप क्या मानते हैं, आखिर यहाँ पर क्यों नहीं लग पाया पैसा, जो कि आज भी पानी का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है? देखो पहले वाले के ऊपर मैं किसी पर कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। मैंने 27 साल मैंने सीबीआई में सर्विस की है, मेरे को पता किस महकमे से कैसे काम किया जाता है, तो मैं अपने प्रशासनिक अनुभव जो मेरा रहा है जो 27 साल उसका अपना फायदा उठाते हुए लोगों के मैं काम करवाने काम करूँगा, कि मेरे को पता किस महकमे से कैसे काम किया जाता है, किस अफसर से मिलना मेरे को। यातायात रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी क्षेत्र के विकास की, आप अभी आपने कहा कि मेवात की तरफ यहाँ रोडवेज चलाएंगे, जी बिल्कुल, किस तरह से अनुभव किया यहाँ पे इस तरह के मुद्दों को लेकर? मैं जी स्थानीय हूँ यहाँ के, बिल्कुल लोकल हूँ, मेरे को पता ना आज तक यहाँ टेम्पू कोई आ गए तो ठीक है, नहीं हमारे बच्चे पैदल जाते हैं कॉलेज में, तो मेरे को पता, मैं यहाँ का जो लोकल आदमी होता है उसको सारी उसका पता होता है समस्याओं क्या समस्याएं हैं, और हम जब इस लायक बनेंगे तो हम पार्षद आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम चलाएंगे, लोगों की समस्याएं बैठ करके हम देखेंगे गांव में क्या समस्या है, उनको प्राथमिकता से उनको हल करवाने का काम करेंगे। कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, दो दिन चुनाव करेंगे, किसको अपने आप मान रहे हैं, कौन है आपके उसमें जो कोई नहीं है? कोई नहीं है जी, कोई नहीं है जी, कोई नहीं है, कोई नहीं है मुकाबला में, कोई है नहीं, पब्लिक से पूछ रही है, पब्लिक जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका? सिंह। क्या मानते हैं जो चुनाव प्रचार में महेंद्र के सामने आपको कौन उम्मीदवार लग रहा है, जो कि सामने कोई नहीं, कोई नहीं, जीरो सब। क्या खास है महेंद्र में कि जो कि अपनापन, हर आदमी से दो साल मिलता जलता है, हर एक प्रेम आदमी, हमारे मिलनसार में लड़कियां जाती हैं, पैदल जाती हैं जी, मिलनसार आदमी है, बिल्कुल प्रेमी आदमी है। महेंद्र को लोग क्यों वोट दे, आप लोग क्यों वोट देंगे? अच्छा आदमी है, यहीं रहेगा ग्राउंड के अंदर, काम करेगा रुक के, इसको प्रशासन का पता है कैसे काम होता है, भरोसा है, बिल्कुल 100% उम्मीदवार जीतेगा। किसको मानते हैं इनके सामने मैदान? किसी को नहीं, किसी को नहीं, जीरो है। महेंद्र को खवे बैठा रहेगा, खवे पर रहेगा, बिल्कुल बात यह है, कालडावास से बिल्कुल लगा दो नारे, जान सुबह मिलते जाते, जान सुबह हम